स्त्री को ऑर्गेजम, क्लाइमेक्स या सुख की चरम सीमा पहुंचने के लिए किस तरह का सेक्स करना जरूरी है, उसको कैसे बहुत सुख मिलता है सेक्स में, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। ऑर्गेजम जो है वो दोनों को होता है, पुरुष को होता है, स्त्री को भी होता है। ऑर्गेजम मतलब सुख की अंतिम चरम सीमा, एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सटेसी, कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, कि जब आदमी अपने आप को या सबको भूल जाता है, वो एक अवस्था जो सेक्स में आती है। पुरुष में ये ऑर्गेजम जो है, जिसको क्लाइमैक्स ऑर्गेजम या अंतिम चरम सीमा सुख की ऐसा बोलते हैं, वो 10 से 30 सेकंड चलती है फाइनल, जब इजैकुलेशन होता है तब, जब पतन होता है तब 10 से 30 सेकंड पुरुष में। और एक स्त्री में ये जो ऑर्गेजम का समय है, ये 13 से 51 सेकंड चलता है, मतलब सेकंड्स में होता है कार्यकाल। तो इसको अचीव करना चाहिए, तभी वो सेक्स सक्सेसफुल हो गया, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए दोनों को भी। और दोनों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम आते हैं, झगड़े झंझट होते हैं। विशेषतः स्त्री को यदि ऑर्गेजम नहीं हुआ, स्त्री को सुख समाधान नहीं मिला सेक्स में, तो नेचुरली वो अधूरी हो जाती है। आदमी का जल्दी पतन हो गया तो वो बाजू हो जाता है, बाद में उसकी इच्छा नहीं होती हाथ लगाने की, और स्त्री अधूरी रह जाती है। उसको लगता है कि उसने उसका कर लिया, मैं तो अभी शुरू भी नहीं हुई, वो तो खत्म हो गया। ऐसे इसमें आदमी का ये कर्तव्य रहता है कि उसको ऑर्गेजम आना जरूरी है। स्त्री को जो अत्युच्च लेवल है सुख की चरम सीमा, वो उसको आना जरूरी है। हो सकता है कि वो पुरुष के पहले आ जाएंगी और बाद में पुरुष का हो जाएगा, हो सकता है कि पहले पुरुष का हो जाएगा बाद में स्त्री का हो जाएगा, हो सकता है कि दोनों का एक साथ हो जाएगा। इसके लिए अलग अलग स्टडीज की कि उसके लिए क्या करना जरूरी है, ऑर्गेजम के लिए क्या जरूरी है, कि क्या क्या करते तो ऑर्गेजम होगा। एक स्टडी की गई, उसमें 1400 लेडीज को क्वेश्चंस पूछे गए, 3 सवाल उनको पूछे गए अलग अलग, कि क्या आपको जब आप संभोग करते हैं तो संभोग करने में आपको क्या ऑर्गेजम आया, क्लाइमैक्स आ गया आपको। दूसरा, क्या जब आपका संभोग हो गया तो स्ट्रिक्टली वजाइनल इंटरकोर्स किया, मतलब बाकी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ योनि में लिंग का प्रवेश करके, घर्षण करके पतन किया, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली वजाइनल या अनअसिस्टेड वजाइनल इंटरकोर्स, तो क्या उसमें आपको मजा आ गया। और तीसरा उनको सवाल किया कि क्या आपको दोनों किया, मतलब क्लाइटरल स्टिमुलेशन किया, बाकी पूरा फोरप्ले किया, क्लाइटरल स्टिमुलेशन किया और योनि का इंटरकोर्स किया, तो क्या आपको, कितने औरतों को उसमें मजा आ गया। मतलब ऐसे 3 कैटेगरी, 3 सवाल पूछे गए। 22% औरतों ने ऐसा बोला कि उनको इंटरकोर्स में कभी मजा आया ही नहीं, ऑर्गेजम उनका हुआ ही नहीं, उनको क्लाइमैक्स आया नहीं, उनको चरम सीमा मिली भी नहीं, 22%। मगर वो करती है क्योंकि पुरुष को चाहिए, करती है, कोऑपरेट करती है। मगर 14% औरतों ने ऐसा बोला, सिर्फ 14 ही थी, कि जब मिक्स किया गया तभी भी उनको नहीं आया, मतलब मिक्स किया तो ज़्यादा औरतों को क्लाइमैक्स आता है। मिक्स मतलब क्लाइटरल स्टिमुलेशन और वजाइनल इंटरकोर्स किया, ऐसा दोनों भी किया तो ये प्रमाण 14% तक नीचे आ गया। इसके मतलब ये हो गया कि क्लाइटरल स्टिमुलेशन, योनिलिंग का स्टिमुलेशन और वजाइनल स्टिमुलेशन, वजाइनल इंटरकोर्स, ये दोनों करने के बाद में भी 14% औरतों को ऑर्गेजम आया ही नहीं, ये स्टडी में बाहर आया। 37% औरतों ने ऐसा बोला कि उनको क्लाइमैक्स आया नहीं, ऑर्गेजम आया नहीं, जब उनका क्लाइटरल स्टिमुलेशन नहीं किया। क्लाइटरल स्टिमुलेशन करना उनके लिए जरूरी था, वो हुआ तो ही उनको आया, अदरवाइज उनको आया नहीं, ऐसा 37% औरतों ने बोला। मतलब देखो ना, क्लाइटरल स्टिमुलेशन कितना महत्व का है, फोरप्ले करना कितना महत्व का है, बहुत ज़्यादा महत्व का है फोरप्ले करना, काम क्रीड़ा शुरू की उसमें क्लाइटरल स्टिमुलेशन करना बहुत जरूरी है। एक स्टडी की, उसमें 1500 पुरुष जो थे उनको पूछा गया, सवाल किए गए, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जो संभोग किया उसमें 61-70% औरतें जो थी उनको ऑर्गेजम हुआ, मतलब करीब करीब 30-40% औरतों को ऑर्गेजम हुआ ही नहीं। और यह प्रमाण और कम हो गया जब सिर्फ वजाइनल इंटरकोर्स किया, मतलब बाकी फोरप्ले ने कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इंटरकोर्स किया योनि का, तो 41-50% औरों को ही ऑर्गेजम हुआ। ये सब पूरा इसका टेक होम क्या है, टेक होम ये है कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्या है, ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये है कि भाई सेक्स मतलब ऐसा है कि लिंग की कठोरता आने को होना, लिंग योनि में जाने को होना, वहाँ घर्षण होने को होना, घर्षण होकर वहाँ पतन होने को होना, आदमी को मजा आ गया, ख़त्म। तो ऐसा नहीं चलता है। सेक्स बोले तो फोरप्ले, फिर वजाइनल इंटरकोर्स,
फिर आफ्टर प्ले या आउटर प्ले, ये सभी चीज करना बहुत ही जरूरी है। और ये सब करते हैं तो औरतों को 14 मिनट लगते एवरेज में सुख मिलने के लिए, क्लाइमैक्स मिलने के लिए, ऑर्गेज्म के लिए 14 मिनट कम से कम एवरेज में 14 मिनट उनको लगे ये स्टडीज में। औरत जब अकेली करती है मास्टरबेशन तो औरतों को 8 मिनट लगते हैं ऑर्गेज्म के लिए। तो फिर यदि आपको यदि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है तो आप औरत का मास्टरबेशन कर दो पहले शुरू में, ताकि वो काफ़ी एक्साइट हो जाएगी, और बाद में इंटरकोर्स करो ताकि उसका 8 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें और एक नतीजा बाहर आया, वो ये आ गया कि जो औरतें पहले से ही वो पुरुष के रिलेशनशिप में है, पहले से उनका रिश्ता है, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले से उनका काफ़ी बार हो चुका है सेक्स, तो उनका ऑर्गेज्म का प्रमाण जो था वो 6 गुना ज़्यादा था, मतलब 6 टाइम्स मोर ऑफन उनका ऑर्गेज्म हुआ। नए लोगों के साथ में उनको ऑर्गेज्म नहीं हुआ। अब नए लोगों के साथ में हुआ नहीं तो उसमें बहुत कारण हो सकते हैं कि डर है या सफिशिएंट एक्साइटमेंट नहीं होता है या सिचुएशनल प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है। एक्चुअली ऑर्गेज्म जो है, मैं बोल रहा हूँ, जो क्लाइमैक्स जो है उसका बहुत कम सेकंड रहता है ना, 10 से 30 सेकंड ही है पुरुष के लिए, और एक औरत के लिए 13 से 51 सेकंड ही है। तो आपको क्या करना है, यदि सुखी वैवाहिक जीवन जीना है, क्लैशेस नहीं आने देना है, दोनों ने एंजॉय करना है सेक्स, तो दोनों को भी क्लाइमैक्स आना जरूरी है, दोनों को भी सुख मिलना जरूरी है। भले ही एक साथ ना मिले, पहले औरत को बाद में आदमी को, पहले आदमी को बाद में औरत को, या दोनों को एक साथ, कैसा भी करो दोनों को मिलना जरूरी है, ताकि दोनों कोऑपरेट करेंगे, संबंध अच्छे रहेंगे, चिड़चिड़ नहीं होंगी। और एक मेरा वापर किया जाता है, मुझे पूछते ही नहीं है, मेरा सब मतलब शरीर सुख लेने के लिए मेरे पास में आता है, ऐसा जो समझ जो औरत का होता है, बिलीफ होता है, वो निकल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।